हम ऐसी अनजान और डरावनी जगह से गुजर रहे थे। जब हमने पापा से पूछा ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने बोला इतने सालों में वो भी यहाँ पहली बार आए हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डोना एंड देवा शो। आप लोग क्या कर रहे हो बताना ज़रूर। और गाइस, वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना, गला बैठा हुआ, बहुत दर्द हो रहा है गले में। और आज है घर पे पूजा, तो देखते हैं पूजा की प्रिपरेशन कैसी हो रही है, क्या तैयारियाँ चल रही है। और मैंने गाउन पहन लिया है रेड कलर का, रेड कलर का नहीं, मतलब रेड और ग्रीन मिक्स है। तो चलते हैं, अब देखते हैं, मैं अभी आपको दिखा दूँगी। और मैं नहा के आ चुकी हूँ, आपको लग ही रहा होगा, शार लिया है मैंने, मेरे बाल गीले हैं और आज मैं अच्छी लग रही हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। जब गला हो खराब तो पीना चाहिए गरम पानी। गाइस, जबान चलने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी, मैं पानी पीऊंगी। गरम गरम गला और जल रहा है, बट स्टिल गला सही करने के लिए पानी। गला नहीं सही हुआ तो याद आ जाएगी मुझे मेरी नानी। सही हो जा भाई, बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी देखते किचन में क्या कर रही है। सो गाइज, आज पूर्णिमा का दिन है और हर पूर्णिमा के दिन मम्मा एक कथा रखती हैं, एक पूजा रखती ही रखती हैं। तो उसके पहले हम कुछ खाते नहीं, हम यही सब खाते हैं। तो सबसे पहले हम ये खाएंगे, उसके बाद पूजा करेंगे। मैंने अपने लिए लेमन टी बनाई हुई है और मैं ये इंजॉय करूँगी, ये पीऊँगी, क्योंकि गला बहुत ख़राब है और ये काफ़ी गर्म है। गाइज, अभी तो मम्मी प्रसाद वगैरह बनवा रही हैं, बना रही हैं, खुद भी बना रही हैं, दीदी भी बना रही हैं। तब तक के लिए हम लोग को बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मम्मी ने यहाँ पे चिप्स दे दिए हैं। ये वही है जो होली में बनता है, अभी तक चलता रहता है, क्योंकि हम लोग इसको बहुत संभाल संभाल के खाते हैं ताकि ये ख़त्म ना हो जाए, बिकॉज़ ये हम लोग का बहुत फेवरेट है। गले में 1% आराम नहीं मिला, गला उतना ही ख़राब है जितना ख़राब था, तो क्या कर सकते हैं, इससे आराम मिलेगा। गाइस, पूजा होने वाली है स्टार्ट, और अब आप देखेंगे पूजा को, मुझे नहीं, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही आ रही हूँ। आई नो आप लोग बोर हो गए हो वैसे मुझे देख के कौन बोर हो सकता है, कोई नहीं हो सकता, मैं खुद बोर नहीं होती मुझे देख के, बिकॉज आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड। मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बट स्टिल अभी आपको पूजा की प्रिपरेशन दिखाते हैं और पूजा कैसे होती है वो भी देखना। साउंड को इग्नोर करो, पता नहीं काम चल रहा है, जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो तभी इग्नोर। मुझे तो बहुत पसंद है, आप अपना बताओ। फेवरेट लड्डू बेसन के, वो तो दिखाए नहीं, वो भी थे प्रसाद में। इसको खाने के बाद जो पीस मिलता है ना, सच में कहीं नहीं। गाइस, तो हवन के बाद जो धुआं उठता है पूरे घर में, उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत अमेजिंग होती है, मुझे वो बहुत पसंद है। एवरी नवरात्रि मम्मा ये करती हैं और ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, फेवरेट पार्ट। गाइस, केला भी मिल चुका है, चरणामृत अभी खाया था और ये केला अच्छा है, अच्छा है, प्रसाद अच्छा है। गाइस, यहाँ पे एक दिक्कत हो गई है, मैं पावर बैंक और चार्जर लाया था, लेकिन अब पता चला कि JBL से ज़्यादा बड़ा उसका चार्जर है, अभी ये चार्ज नहीं हो रहा।
तो आज का दिन तो पूरा धार्मिक धार्मिक हो गया। सुबह पूजा हुई और इस समय हम जा रहे हैं मंदिर। हम दो दो मंदिर जाएंगे, एक मंदिर हमारे लिए सरप्राइज है और एक मंदिर हमें पता है कि कौन सा मंदिर है। गाइस, हमारे साथ काफ़ी अजीब सी चीज़ हुई। हम एक सुनसान गली वाले रास्ते से निकल रहे थे और पापा से पूछा ये कौन सी जगह है, तो पापा ने बोला मैं इतने साल में पहली बार आया हूँ। और हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए, आप मून को देख सकते हो, ब्लडी मून हो रखा है यहाँ पे। बट फाइनली ये पता चला कि पापा हम लोग के साथ प्रैंक कर रहे थे और हम पापा के साथ प्रैंक का शिकार हो चुके हैं। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे और ये रास्ता निकला अपने मेट्रो स्टेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास, और यहाँ पर अपनी प्यारी यूनिवर्सिटी भी है। गाइस, तो यहाँ पे रसिया सॉन्ग चल रहा है, बहुत प्यारा सॉन्ग है, वो चल रहा है, हम सुनते सुनते जा रहे हैं। मैं जोड़ इसलिए नहीं सकती बिकॉज़ अगर मैंने जोड़ दिया रसिया सॉन्ग तो कॉपीराइट पक्का आ जाएगा, मैं क्या करूँगी फिर। ये लखनऊ का इतना ब्यूटीफुल मंदिर है, मतलब पूरे लखनऊ में जितने भी मंदिर हैं आई स्वेयर इससे अच्छा मंदिर कोई हो ही नहीं सकता। आप अभी अंदर देखोगे ना तब आपको पता चलेगा ये मंदिर है कैसा और क्या है। सो गाइज, आपको ये मंदिर कैसा लग रहा है कमेंट में बताना ज़रूर। और अभी तो ये मंदिर की सिर्फ एंट्रेंस है, ये तो बस शुरुआत, और अभी देखो मंदिर के अंदर क्या क्या है। और इस मंदिर में बहुत सारे रहस्य राज छुपे हुए हैं जो कि आपको दिखेगा नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में पूरा मंदिर एक्सप्लोर करने वाले हैं, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू द नेक्स्ट वन, बाय गाइज।